सर काटो, चलिए हर हर महादेव। रमागर मुंडे, रमागर मुंडे जी, मुंडे जी की जय। मुंडे मीडिया एक्शन सर, एक्शन एक्शन एक्शन। यस सर, सर वो मैडम ने देखा थोड़ा ऐसे हो ना, पीछे से समझ आ गया, पीछे से यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अभी फोटो हो गया सब प्रॉपर, मैडम थोड़ा और पीछे हो फोटो हो गया। चलिए ओके सर, चार छः महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं करो कि एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम का इंतजाम किया, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो कीर्ति जब भाजपा से भी जुड़ चुकी है, किस तरह से भाजपा का सपोर्ट होगा उनके साथ और किस तरह से देख के उनके सोशल मीडिया से कंटिन्यू होगा, उनकी कार्य क्षमता ही बता रही है। अभी बहुत ही उत्साहित है वो, बहुत ही आक्रमिकता से काम कर रही है। डेली दिन में दो तीन बार वो मेरा संपर्क दिन में करती है और मैं भी उनको प्रॉपर देता है, जो भी एवं देता हूँ सलाह जो भी चाहिए देता हूँ। तो ये आगे जाके आपको जो आज दिख रहा है उससे आने वाला कल कीर्ति जी का एकदम एकदम जो तो कैसे रॉकेट की गति से। प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मैं तो अभी कीर्ति जी को मैं बोलूँगा कि एकदम उनको ये तस्वीर फाइल फिल्म के लिए वो अपनी एकदम इसके ऊपर झाड़ लगा दें। अब ये जो कुछ जिनको जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे कर्म के तो भ्रष्ट चाहिए हो, लेकिन जिनकी अब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ मार रहे हो, तो उनको इतना नहीं समझता कि आज जो हम कर रहे हैं आने वालों दिनों में दूर
तो ये जो ये समझते हैं कि कुछ ही कुछ लोगों को कुछ करने के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इनका नाम लेने से चलो, क्योंकि ये तो अभी इनका नाम लेने का प्रसंग नहीं है, मैं इसलिए किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे सभी, बहुत ही आपको प्यार है, समझदार है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। उनके आज आप आने वाले दिनों में देखोगे कितने बुरे हाल होंगे कि जो जो उन्होंने भी कभी सपने भी कल्पना नहीं की होगी इस तरह से बुरे बुरे हाल होंगे। लोग कैसे कैसे माफ करेंगे? अब कश्मीर भाई जैसे इंटर का रिपोर्ट अपना विरोध कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि आज 32 साल से दो पीढ़ी शोषित इनके ऊपर न होने जैसा कोई ऐसा अत्याचार नहीं कि इससे जो बुरा हो, इतने बुरे बुरे अत्याचार वो सच्चाई कुछ दिखाई, वो भी आपको कुछ सच्चाई दिखाई है, जब बुरा दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता उनका हाल। तो ये है कि सच्चाई को सामने, और अभी देखिए ये कश्मीर फाइल बनी है ना, अभी इनका हालांकि ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की जनता के लिए तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने इन्होंने विरोध किया। अभी आने वाले उसी समय में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी जो अपने जो 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 ऐसे जो पीड़ित शोषित है उनको मलम पट्टी का काम करेगी, उनको जो भी कुछ यात्रा सहन करनी पड़ेगी उनको पूरा पूरा जो उनको उनको जो आश्वासन मिलेगी। यूपी जी और जनाय जी को, तो यूपी जी को तो मैं 30 सालों से जानता हूँ, वो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर, हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं शुभेच्छा दूँ कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज सीरियल्स और मूवी बनती रहे और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में, जैसे कश्मीर फाइल है, ये टाइप की अच्छी अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसे शुभेच्छा। इन्होंने जैसे अभी तक हमारी जो बात हुई सच्ची घटना में तो है, प्लस इन्होंने ऐसे भी बताया जैसे कि वुमन एम्पावरमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हमें चर्चा की हुई है, क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी, अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ इजीली, मतलब लोगों की तरफ पहुंचने का एक बहुत इजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ, एक मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं, और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, बट हम वुमन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुंचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहाँ तक हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। कीर्ति जी ने एक लोगों तक एक संदेश पहुंचा दिया है कि मैं जो तरह से दिल से भी मन से भी हर एक तरीके से मैं भाजपा के साथ जुड़ी हूं, और उनके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, ये उन्होंने संदेश लोगों तक पहुंचाया, इसीलिए तो हमने आज का दिन चुना है। और एक हमारा जो बिजनेस सेल के माध्यम से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी जय जरीवाला जी, हमारे जय जोशी जी, और मैं अल्पेश शाह जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग से जितनी भी हो सके, क्योंकि हमने एक हमारी वुमन सेल अलग से बनाई हुई है, इनके प्रोडक्शन हाउस को हमसे जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे। थैंक यू सो मच। राइट हो रहा है, जैसे कि नाम है अभी मतलब बस यही होप करूँगा कि आप नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे।
आपकी ऐसी जर्नी के बारे में बात करें तो कैसा लगा अभी तक का आपका जो शो है और जो आप रोल लेकर अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे, कुछ 13 ईयर्स हो चुके हैं मैं जब 400 करता था उससे काम करा, तो काफ़ी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है हर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया है बुकिंग करने जो आपने किया है उसके आपका बताएगी क्या प्रोजेक्ट आगे क्या बने चलता रहे हैं। जी मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जिसमें मैंने एपिसोड किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था जिसमें कि हम लीड थे और पेशवा बाजी वाला जिसमें का बेटा बना था और वो भी लीड किया था, और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा वायरस की है और एक वेब सीरीज है स्कैमी जो कि लीड में है, उसका अभी डेट नहीं आया बट वो जल्दी लीड होगी। मैं तो यही लोग करूँगा जैसे बाकी नाम की वेश जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इन्वाइट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं लगता हूँ कि ये अच्छी स्टोरी और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे और मेरी दिल से शुभकामनाएँ उनको ऑल द बेस्ट सर। आपकी क्या कहते हैं सो प्रश्न सुखी मैं जी 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 सो थैंक यू सो मच कीर्ति हलारकर जी और इन्वाइटिंग मी, कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज अ वंडरफुल वुमेन, देखिए उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एक्ट्रेस और अब उन्होंने अभी खाली एंटरटेनमेंट के नाम से जो एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर माई बेस्ट विशेज। कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत के लिए, और कीर्ति जी का ऐसा है कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो समाज सेवा में भी बहुत जुड़ी रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वो समाज के लिए मुझे लगता है कि जो जो सब्जेक्ट्स लाएंगे वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी, और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से काफ़ी उन सब्जेक्ट्स को और उन इश्यूज़ को ज़रूर उठाएंगे जिससे कि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी का काफ़ी फायदा भी होगा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो इन्होंने खोला है केवल एक मैं ये समझता हूँ जो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को कि ये बिजनेस के लिए नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ये एक समाज सेवा और सोसाइटी के लिए भी ये वर्क करेगा ये प्रोडक्शन हाउस इसके माध्यम से। अभी मैं साहब के साथ गदर टू कर रहा हूँ, मैं आज के अभी शूटिंग से लौट के आया हूँ, हमारा अगला शेड्यूल अब लखनऊ में है, तो ये प्रोडक्शन जो आनंद शर्मा सर का है वो मैं कर रहा हूँ, और कीर्ति जी के साथ भी ज़रूर जो भी आगामी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी हम कुछ कर सकें। सबसे पहले इज अ वेरी गुड सोल और बॉडी गुड सोल इनर एंड आउट गुड बहुत कम दिखाई देता है आज दुनिया में, तो ऐसे इंसान एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं आपको काम हो सकते हैं, और साथ में लोग आपका सेंस है लेकिन उनको तो प्रोडक्शन में आना ही चाहिए, एट ईयर्स बातें होती है दीदी ऐसी आर्ट पे, तो फाइनली शी इज डूइंग इट वेरी हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड दे जॉब एंड व्हाट अबाउट योर कमिंग आर यू लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट ऐसा काम कर रहे हैं अभी तो इट्स जस्ट वेब सीरीज सिंपल की शो के लिए व्हाट अ ग्रेट वेडिंग फॉर मूवीज मैं बहुत अच्छी बैनर्जी है पंकज सिंह है वो अभी ईयर एंड में आएगी
और तीन फिल्में जो रिलीज होंगी, एक है क्या मस्ती क्या मैं, एक है मनोहर टूर्नी भी शाह जिसमें मैं शेयर सरपंच राजपाल में भी राजपाल ये सारी फिल्में, और एक मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है दिलचढ़ी, इसी सीरीज की फिल्म है, उसमें संजय दत्त सर है, मैं वो पार्ट है, खुशाली कुमार है, अच्छा चल इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, फरारी की सवारी तभी हम मिले थे, यू नो वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स एंड तभी मैंने इसको बोला था, विच वाज आई थिंक 12 इयर्स अगो, ए यू नो रफली कि मैं एक दिन करप्शन हाउस शुरू कर सकती हूं, और मैं एंड यू गाइस हैव टू बी देयर, यू नो देयर इज अ टीम ऑफ अदर गाइस आल्सो, यू नो एंड वी हियर ऑफ हियर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो मैंने बोला कभी यू हैव टू बी देयर, आई एम सो ग्लैड दैट यू नो ही हैज मेड, या ही हैज मेड सो मच, ही डन सो वेल इन हिज करियर, बिकॉज़ एट दैट टाइम ही वाज आल्सो स्टार्टिंग आउट, या जस्ट फर्स्ट मेजर रोल, या फर्स्ट मेजर रोल, एंड ही हैज कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो hoping to work with Epiphany. Epiphany. आज यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग है जो आपके हाथों से की गई है, और सही बात है कि एक अच्छे दिन पर एक नई शुरुआत हो रही है, एपिफेनी का मतलब है पराकाष्ठा की क्षण, और उस क्षण पर आज ये उद्घाटन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे निडर कार्यकर्ता हमारे कीर्ति जी हैं, और उनके कार्यकाल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की जो उनकी प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के माध्यम से, इस एंटरटेनमेंट जो उनकी कंपनी है उसके माध्यम से निश्चित रूप से उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी शो के अंदर आज एंटर हो रही है उनके अंदर, और कीर्ति जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से एडवाइस होगी कीर्ति जी को कि जो वो फिल्में या टीवी शो लेकर आए, जिसे जैसे कश्मीर फाइल है जिसे पीएम मोदी ने भी जिसकी बात की लोगों को देखने, इस तरह के कंटेंट वो जो लोगों के सामने आए। वैसे सोशल फील्ड में कीर्ति जी बहुत सालों से हैं, तो निश्चित उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और उनके नेतृत्व में फिल्म इंडस्ट्री में नए नए से, जैसे आपने अभी बताया कश्मीर फाइल, ऐसी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर्स हैं जिनको रिलीज करने में वो मदद करेंगे निश्चित रूप से। थैंक यू। जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, कन्या कन्या प्रभु और एज एज अडा, इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे, ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा, आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर, तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी, तो चाहती हूँ इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, इनमें इतनी बड़ी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड में कर सकता है, तो अभी आप देखते हैं हमें हम बच्चों को मॉन्टेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक, और आप अभी देख रहे होंगे कुछ कुछ मूवीज ऐसी आ रही हैं कि जिसकी जो मूवीज हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी अदर्स, यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती है, लोगों में लोगों के सामने सच्चाई ला सकती है, उस सबको पता नहीं होगा, तो ये बहुत
हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा, तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा कुछ सच सबके सामने रखूँ। आपको आपको अपने के साथ एक्टिंग एज एक्ट्रेस काम करने के साथ प्रोडक्शन हाउस अपने चाहिए कि आपके कुछ ख्याल आए कि आपने कैसे प्रोड्यूसर के सामने ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं, मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर लेके कुछ करना है तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं जो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही है या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं वो अगर एज ए प्रोड्यूसर कर सकते हैं, सबके दुआ से आप सभी आगे चल सकते। आपका नाम बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ने के साथ ही प्रोडक्शन हाउस है, तो क्या किस तरह के सब्जेक्ट को लेकर लगता है आपके सब्जेक्ट पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि ये पार्टी के साथ भी अच्छी होगी। जी वो तो है, बीजेपी ने बहुत बड़ी जो है पद लिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिल्म और टीवी प्रकोष्ठ की प्रभारी बनाया गया, तो मैं समाज सेवा बहुत पहले से करती हूँ और मैं हमेशा ये मेरा मानना रहा है समाज सेवा ये कोई ऐसे आज मैं उठ के समाज सेवा करती हूँ ऐसा ये भाव नहीं, समाज सेवा ये अंदर ही होती है, स्वभाव होता है, सोशल वर्क इज़ एन एप्टीट्यूड एट द सेम टाइम ये आपने आपका स्वभाव होना चाहिए, चलते चलते देखना आप अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसे देख के चले जाते हैं, कुछ दो चार लोग होते हैं वो सामने जाके उसको मदद करते हैं, तो वो लोग हैं जिनके अंदर समाज सेवा का बीज या समाज सेवा का स्वभाव उनके मन में है, इसीलिए वो रुके और उन्होंने वहाँ पे मदद की, तो समाज सेवा ये स्वभाव है, ये कोई आप आज मुझे समाज सेवा करना है करके हम नहीं कर सकते, वो आपके अंदर होना चाहिए तभी आप कर सकते। बहुत पहले से मैं कुछ ना कुछ करती, मेरा तो भाई हमेशा कहता था रास्ते से जाते से कुछ दिख गया या अरे आई इसको पकड़ो नहीं तो ये जाके अभी अपना एक घंटा बर्बाद करेंगे, तो ये दैट वाज इन माय नेचर आई विल से दैट वाज ऑलवेज देयर विद मी आई कैन से। तो ये आपका नाम जो है बहुत यूनिक है, इसके बारे में बताएं। हाँ पहले आप आपके बारे में बताइए किसी तरह से आप जुड़े हुए, इससे पहले आप तो जो शब्द है इट मीन्स कि आप मुझे बहुत गहरा यू हैव सम रियलाइजेशन कि जो मेकअप होता है समथिंग सिमिलर टू दैट, तो अब हम अराउंड 20 इयर्स से इस फील्ड में है, हमने शुरुआत थिएटर से की, दिल्ली में स्टोरी स्टोरी शुभ सो माई सिस्टर जो है फाइनेंशियल जर्नीस की बहुत सारे लास्ट बिजनेस, तो मैं मेरा गाँव का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड, तो फॉर अस ऑल ऑफ अस इन आवर करियर इट वुड बी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप दैट इज द मोमेंट ऑफ एपिफेनी कि आपको कुछ रियलाइज होता है कि अब हम क्या करें, जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया है, इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा, सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वॉज द नेक्स्ट वी थिंक फॉर मॉर इट वॉज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग द मोमेंट ऑफ एपिफेनी सॉरी सो टू स्पीक, तो उस हिसाब से एपिफेनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा बिकॉज वो हमारे लिए सच अ बिग मोमेंट, यू नो यस हमारा कन्विक्शन था दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज द आइडिया इज टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज ऐसा कॉन्टेंट जो यू नो जो हमें
what we feel behind it. And to me, realization, conviction that this is to be एक लोग में भी थिंक ऐसा
थैंक यू सो मच.